पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है, वहाँ कुछ ऐसे लोग भी और संस्था है जो लोगों की मदद के लिए भगवान का रूप लेकर सामने आए हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला इंदौर में, जहाँ पुंजराज पटेल सामाजिक सेवा संस्था द्वारा बाईपास से गुजरने वाले लोगों के लिए 24 घंटे भोजन और चाय की व्यवस्था की जा रही है। संस्था के अध्यक्ष रामेश्वर गुडा पटेल ने बताया कि पिछले 32 दिनों से महाराष्ट्र और गुजरात से आने वाले मजदूरों और प्रवासी लोगों के लिए 24 घंटे भोजन और चाय की व्यवस्था की गई है। साथ ही बच्चों के दूध और जरूरतमंद लोगों के लिए दवाइयों की भी व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने बताया कि ये सेवा आगे भी सतत जारी रहेगी। हमारी समिति है पुंजराज पटेल सामाजिक सेवा समिति, आपके द्वारा आज टोटल 32 दिन हो गए, 32 दिन से कार्य चल रहा है। ये अपने महाराष्ट्र और गुजरात से जो लोग आ रहे हैं उनकी सेवा में लगे हुए हैं। प्रतिदिन कितने लोग यहाँ पर आते हैं और किस तरह की सेवा भाव की जाती है, क्या क्या उपलब्ध रहता है यहाँ लोगों को? अभी खिचड़ी है, चाय है, छोटे बच्चों के लिए बिस्किट है, दूध है, और कोई बीमार अगर हो जाए तो उनके लिए ORS के पैकेट, सर्दी सरदर्द बुखार की गोली है। संख्या का तो ये है कि अभी जो संख्या आ रही कम से कम 7-8 हज़ार संख्या 24 घंटे में आ रही है, क्योंकि हमारा कार्यक्रम पूरा 24 घंटे चल रहा है। तो इसके पहले जो लोग आए थे 15 दिन पहले, कम से कम 33 हज़ार तक की संख्या आई थी 24 घंटे के लिए। तो किस तरह से, जिस तरह से अभी 5वां लॉकडाउन चल रहा है, सतत ये सेवा जारी रहेगी या अभी एक दिन और विराम? नहीं, अभी तो क्या, जब तक संख्या उधर से आती रहेगी हम तो हमारी सेवा दे रहे हैं। जब तक लोग आना बंद नहीं होते, आना बंद हो गया तो हम सेवा देना बंद हो जाएंगे। किस तरह के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए ये सेवा कार्य यहाँ पर किया? आपके सामने हमने सभी को सोशल डिस्टेंस का पालन करा लेने पर, कम से कम जनता की जागरूकता, बहुत सारों को मालूम ही नहीं कि आपके सामने गाड़ी में कितने सारे लोग बैठ गए, और वो ठीक है क्या करें, उनको समझ में नहीं आती कोई भी चीज़। फिर भी हम तो हमारी तरफ से उनको सोशल डिस्टेंस का पालन करा के चाय खिचड़ी वितरण कर रहे हैं। आपका नाम बताओ? रामेश्वर गुट्टा।